सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की तरफ से 2019 में अपनी मिलिट्री में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले टॉप 10 कंट्रीज का नया डेटा जारी हुआ है और ऐसा पहली बार है जब दो एशियन कंट्रीज इस लिस्ट की टॉप 3 में हैं। और ये दो एशियन कंट्रीज कोई और नहीं बल्कि एक चाइना और दूसरा भारत है। यानी कि इस डेटा के मुताबिक 2019 में अपनी मिलिट्री में खर्च करने वाले टॉप 10 कंट्रीज में जो टॉप की 3 कंट्रीज हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे पर है चाइना और तीसरे पर है इंडिया। बाकी फिर इसके बाद रशिया, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जापान और साउथ कोरिया शामिल हैं। और इस डेटा के मुताबिक 2019 में चाइना का जो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो 261 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था जो कि 2018 की तुलना में 5.1% ज्यादा है। और वहीं भारत के मामले में ये 71.1 बिलियन डॉलर है जो कि 2018 की तुलना में 6.8% ज्यादा है। और ये भी पहली बार हुआ है कि भारत अपनी मिलिट्री में खर्च करने वाला दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बना है। बाकी आप 2019 के टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर्स के बारे में अधिक जानकारी सिप्री की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com पर जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसराइल बेस्ड इंटरनेशनल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलबिल सिस्टम लिमिटेड की तरफ से घोषणा की गई है कि उन्होंने एक एशियन कंट्री की एयरफोर्स से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स को सप्लाई करने के लिए 103 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। हालांकि कंपनी ने उस एशियन कंट्री का नाम नहीं बताया है जिनकी एयरफोर्स से उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है, लेकिन कई सारे सोर्सेज का मानना है कि ये एशियन कंट्री कोई और नहीं बल्कि भारत है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट एलबिल सिस्टम को दिया गया है। और कंपनी के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट 3 वर्षों में किया जाएगा और इसमें लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एलबिट सिस्टम अपने कस्टमर के हेलीकॉप्टर्स में अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को इंटीग्रेट करेगी जिसमें इसका काउंटर मेजर सिस्टम भी शामिल है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एलबिट सिस्टम को दिया गया है तो इस बात की संभावना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जिन हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट किया जाएगा उनमें HAL का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी शामिल होगा। और साथ ही आपको एक जानकारी और दे दें कि 2018 में भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी एल्टा सिस्टम के साथ एक इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एल्टा सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के 83 तेजस MK बने फाइटर्स के लिए ELM-2052 AS रडार के साथ साथ ELL-8222WB इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स को भी डिलीवर करेगी। बाकी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है और ये काम कैसे करता है तो इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो अपने दूसरे चैनल डिफेंस साइट में बनाई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। अभी हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा उनकी ग्रीन बुक का लेटेस्ट एडिशन पब्लिश किया गया है और इस ग्रीन बुक में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बात का जिक्र किया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाना ये दो ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा असर किया है। और उनका कहना है कि इन दो खास इवेंट ने इस क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया है। बता दें कि इस ग्रीन बुक को पाकिस्तानी आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर्स द्वारा पब्लिश किया गया है और केवल इतना ही नहीं बल्कि इस बुक के जरिए डॉक्टर मारिया सुल्तान ने भी इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन भारत और पाकिस्तान के बीच डॉग फाइट हुई थी जिसमें इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को शॉट किया था, लेकिन उसके बाद उनका फाइटर भी शॉट हुआ था और वे पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़े गए थे, तब उस विवाद के बाद डॉक्टर मारिया सुल्तान के मुताबिक भारत की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने MiG-21 के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सही सलामत भारत वापस नहीं पहुंचाया तो वे पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला करेंगे। जबकि इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय इंडियन आर्मी ने करीब 12 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की बैटरी को पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर प्लेस भी कर दिया था। और जबकि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉक के मुताबिक अगर भारत पाकिस्तान को ये चेतावनी नहीं देता तो पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को नेशनल मीडिया पर और भी ह्यूमिलिएट करने के लिए तैयार थी और साथ ही साथ वो उनका इस्तेमाल करके भारत के साथ कुछ छोटी डील्स को भी बार्गेन करने की कोशिश कर सकती थी। और इसलिए कुछ सोर्सेज का कहना है कि भारत की इसी चेतावनी के चलते विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान अपनी कस्टडी में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख पाया था। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इस ग्रीन बुक में इंडियन आर्मी को डिफेम करने के भी कई तरह के सुझाव दिए गए हैं।
अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर कर्नाटक के बेलगावी के एक थाने की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो को जमीन पर नीचे बैठा दिखाया गया है और उसके हाथ चेन से बंधे हैं। और जानकारी के मुताबिक ये फोटो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो सचिन सुनील सावंत की है, जिन्हें कर्नाटक पुलिस ने पुलिस वालों से मारपीट और काम में बाधा डालने के साथ साथ महामारी रोग अधिनियम के तहत 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। और असल में ये जवान इन दिनों बेलगावी में अपने घर पर छुट्टी पर गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उन्हें छुट्टी खत्म होने पर भी अपने घर पर ही रुकना पड़ा। लेकिन जब 23 तारीख के दोपहर में वे अपने घर के बाहर अपनी बाइक धो रहे थे, तब उसी दौरान पेट्रोलिंग करने आए दो पुलिसकर्मियों ने उन्हें देखा और इसी दौरान मास्क न लगाने की वजह से उनके साथ थोड़ी कहासुनी हो गई और एक कहासुनी धीरे धीरे मारपीट तक पहुंच गई थी और फिर इसी आरोप के चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। लेकिन अब कर्नाटक के बेलगावी में इस कोबरा कमांडो को थाने में चेन से बांधने और बस सुलूकी के मामले में सीआरपीएफ मुख्यालय ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और सीआरपीएफ के एडिशनल डीजी ने इस मामले में कर्नाटक पुलिस के महानिदेशक को एक चिट्ठी लिखी है और साथ ही सीआरपीएफ ने भरोसा दिलाया है कि जब मंगलवार को इस कोबरा कमांडो की जमानत याचिका अदालत में आएगी तो उस दौरान सीआरपीएफ के अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे और सीआरपीएफ ऑफिसर्स का कहना है कि इस मामले की जांच गंभीर रूप से की जाएगी ताकि इस मामले का निपटारा किया जा सके। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच एक मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। लेकिन जहां पर यह मुठभेड़ हुई थी वहां पर एक शेल रह गया था और वो शेल फटने की वजह से वहां पर मौजूद कम से कम 5 सिविलियंस घायल हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन पर काफी आक्रामक तरीके से चाइना की बढ़ती हुई गतिविधियां न केवल भारत बल्कि अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय बन रही हैं। जबकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पिछले रविवार चाइना ने साउथ चाइना सी में करीब 80 जियोग्राफिकल फीचर्स को नेम किया था। और जबकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो के मुताबिक चाइनीज वायरस से दुनिया में उपजी परिस्थितियों का फायदा उठाकर चाइना दक्षिण चीन सागर में विस्तार योजनाओं को बढ़ाने में जुटा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि चाइना दूसरों को ऑफशोर गैस और ऑयल प्रोजेक्ट्स लगाने से भयभीत करने के लिए अपने सैन्य जहाजों की तैनाती कर रहा है। और जबकि इस महीने की शुरुआत में चाइना ने इस क्षेत्र पर संप्रभुता के अपने दावे को मजबूत करने के लिए पैरासल द्वीप समूह और सेपरेटरी द्वीपों को प्रशासित करने के लिए 2 जिलों की स्थापना की घोषणा की है। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको जिस यूएवी को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था, उस यूएवी का नाम है हार्पी, जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया एक लॉयटरिंग म्यूनिशन है, जिन्हें कामिकाजे या फिर सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। और इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसी ड्रोन के एक अपग्रेडेड वेरियंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसे IAI हेरोप या फिर हार्पी 2 भी कहते हैं। और हमने इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले इस हेरोप सुसाइड ड्रोन पर एक अलग से वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे इस वीडियो के आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।